नीमच कृषि उपज मंडी की लहसुन मंडी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जैसे ही बादलों की गड़गड़ाहट और वातावरण में ठंडक आई है, किसान चिंतित हो गया है और आप पीछे देख सकते हो कि किसान अपनी उपज को ढकने लगा है। उसको चिंता हो चली है कि फिर से बारिश ना हो जाए और बारिश की वजह से उनकी उपज भीगी तो स्वाभाविक है कि दाम पर भी असर होगा और ऐसे में चिंतित किसान चाहता है कि जल्द से जल्दी उनकी जो उपज है उसकी नीलामी हो जाए। वहीं नीलामी भी लगातार तेज़ गति से चल रही है और अब इनकी बारी जब तक आती है तब तक ये किसान है चिंतित है। कुछ किसान हैं उनसे और बात करेंगे। भाई साहब लहसुन लेके आए कहाँ से? इड़ावा से। कहाँ पर आता है? उज्जैन जिला। अच्छा उज्जैन जिले से। तो आपके पास है क्या ढकने का इंतजाम? है नहीं ढकने का। कहाँ है ये? त्रिपालपुरी। हाँ तो ये बारिश आ गई लोग ढकने लगे सब। ढक देंगे नहीं आप? ढक दोगे? आप देख सकते हो देखो ये यहाँ पर भी जो त्रिपाल है बारिश से बचाव के लिए पन्नियाँ रख रखी है, कुछ और किसानों ने भी रख रखी। बस ये है कि बारिश जैसे ही शुरू होगी लोग अपनी व्यवस्था में जुट जाएंगे। कुछ किसान पहले से ही जो ढेर कर रखे थे उनको इकट्ठा कर अपने जो उपज है उसको ढाक कर गीले होने से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि इस पीछे की तरफ भी ये लोगों ने अपनी जो उपज है ढक दी है और सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द नीलामी हो। विजित राव महाडिक, मार्केट टाइम्स, नीमच।